दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मिश्रा एंटरप्राइजेस। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय वैद आयुर्वंशी फार्मेसी लुधियाना। करंट रिपोर्ट चैनल के साथ मौजूद हैं सुदर्शन कुमार बोध साहब, जो डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो सर जय भीम। जय भीम, जय भारत। सर, सतगुरु रविदास जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल ट्रस्टर पंजाब की ओर से शिरोमणि संत रविदास जी की 642वां जयंती के शुभ मौके पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई कामना करता हूँ जी। साथ ही मैं अपने समाज के से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने इस बहुजन समाज को समता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो, जैसे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था, उसी का हिस्सा संत गुरु रविदास जी ने अपने जीते जी 14वीं शताब्दी के लगभग उन्होंने जन क्रांति, वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति के आंदोलन चलाई थी। खास करके भारत देश के अंदर में आडंबर अंधविश्वास की कृतियों के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया था जिसका नतीजा यह रहा था कि उनको विशेष तौर पर 14वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जो स्थापित है उस किले के अंदर में, जो राजशाही किले के अंदर में, उनको हत्या कर दी गई थी। हत्या करने का मेन वजह यही था कि उन्होंने अपनी बात को पुरजोड़ ताकत के हिसाब से अपनी बात को रखने का प्रयास किया था। बहुत सब तो, और बहुत सब सतगुरु रविदास महाराज जी ने यह भी लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कौन, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या मानते हैं कि 642 साल पहले भी भेदभाव जो वितकरा था, पक्षपात था, ये होता था जो लोगों के साथ, आम लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, जब होता था ऐसा तभी तो संत रविदास जी ने उन्होंने इसे समता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो ऐसे काम करने के लिए उन्होंने अग्रसर तैयार होना पड़ा उनको जी। जब ऐसा उनको महसूस लगा और आज के हालात से बहुत पहले जो है बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी कि हमारे शूद्र समाज को, हमारे बहुजन समाज को, जो हम कह सकते हैं गिनती के संख्या पर भारत के अंदर में 85% हम हैं आज तारीख में, और इनको जो है कि दिन में निकलना मना था हैं, और बाय चांस किसी इमरजेंसी में निकलना भी होता था तो उनको पैर कमर में झाड़ू और गर्दन के नीचे ढका अथी होता था, हानि होती थी ताकि मुँह से अगर थूक भी फेंकना हो तो उसमें फेंकना है ना, तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी। मंदिर में जाना प्रवेश था बंदी था, इसके बाद शैक्षणिक तौर पर आपको रोक था, शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ा सकते थे, शास्त्र की अगर वाणी कोई पढ़ ले, अगर मालूम चल जाए ब्राह्मण को, तो उस शूद्र को बुला करके जो है आपको पिघली हुई शीशे को आपको जो कान में डाली जाती थी, इस तरह से अत्याचार हमारे समाज के ऊपर हुआ करता था। आज जी बहुत साहब, मौजूदा टाइम में 642 साल बीत गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया समता, समानता, एक इक्वलिटी को भारत में स्थापित करने के लिए। आप मौजूदा टाइम में क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, बहुजन के लोगों को, भारत के लोगों को? जी, हम अपने डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल की तरफ से और अपने तरफ से बहुजन समाज के नई पीढ़ियों के लिए मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितने भी संत महापुरुष क्रांतिकारी हमारे समाज में हुए हैं, हमारे समाज को सम्मान के लिए और स्वाभिमान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है, उस इतिहास के पढ़ने की जरूरत है। यदि हम ऐसा पढ़ते हैं तो जागृति आती है। सामाजिक संगठन के बगैर आपको वैचारिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, और बगैर वैचारिक परिवर्तन के बगैर आप सामाजिक आंदोलन नहीं कर सकते हैं देश के अंदर। जैसे कि अपना शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले ने कहा था कि विद्या विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गया, गति बिन धन गया, ये सारे पतित जो अन्याय हुआ वो अविद्या के कारण हुआ, और अब विद्या बहुत जरूरी है समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोध साहब, आपने समाज में जन चेतना क्रांति की बात की है, यूथ को, नौजवानों को, लोगों को, और शिक्षा एक
फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक नॉलेज भी आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुदर्शन कुमार बोध की जो विचार हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के और सतगुरु रविदास महाराज जी की एक आदर्श है, उन पर चलते हुए आप भी अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नवनिर्माण करेंगे। और हमें दीजिए ज़्यादा धन्यवाद। आप देखते रहिए करंट रिपोर्ट चैनल। थैंक यू।